दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द व्यंजन में। तो आज मैं संडे स्पेशल नाश्ते की रेसिपी लेके आई हूँ। और गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि किसी का भी ज़्यादा देर किचन में रुकने का मन नहीं करता है। तो आज की रेसिपी ऐसी है जो बहुत ही झटपट बन जाती है और बहुत ही हेल्दी भी है। तो चलिए देर किस बात की, बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक कटोरी बेसन। वजन भी देखेंगे तो करीब 100 ग्राम ये बेसन है। बेसन को हम एक बाउल में गिरा लेंगे। तो थोड़ा सा पानी थोड़ा सा डाल के हम बेसन का एक बहुत ही गाढ़ा घोल बनाएंगे। बहुत पतला नहीं करेंगे, गाढ़ा ही रखेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब हम इसमें क्या करेंगे, कुछ कटी हुई सब्जियां डाल देंगे। तो थोड़ी सी मैंने यहाँ पर गाजर डाल दी है, थोड़ी शिमला मिर्च मैंने डाल दी है। सब्जियाँ आप अपने मन से डाल लीजिए। और यहाँ पे मैंने डाला है एक टमाटर, कटा हुआ हरा धनिया। तो टेस्ट के हिसाब से डालेंगे नमक, 1 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच ये लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा ये ड्राई पुदीना है जो पुदीना सूखा करके रखते हैं हम लोग, तो उसको थोड़ा सा क्रश करके हम डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा इससे टेस्ट आएगा। 1 चम्मच ये अदरक लहसुन का पेस्ट। बस इन सबको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और फिर देखेंगे अगर पानी की ज़रूरत होती है तो थोड़ा सा हम पानी भी बढ़ाएंगे। तो देखिए इसे अच्छे से हमने सब्जियों को मिक्स कर दिया है और थोड़ा ढीला भी हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि अब हमें पानी की ज़रूरत नहीं है इसमें, बस इतना ही हमें रखना है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे 1 चम्मच ये इनो। तो इनो आप नहीं डालना चाहते, थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। हल्के हाथों से मिक्स कर देना है। देखिए अभी जो ढोकला प्लेट्स होती है ना, तो हमने इनमें तेल से अच्छे से ग्रीस कर दिया है, तेल लगा लिया है अच्छे से। अब हम ये आधा आधा बैटर दोनों में डाल देंगे। देखिए इस तरह से दोनों प्लेट्स में मैंने बेसन को फैला दिया है। अब क्या करेंगे, इसे हम स्टीम करेंगे। पानी मैंने पहले ही रख दिया था गर्म होने के लिए। अब इसे हम रख देते हैं और 10 मिनट हम इसे मीडियम फ्लेम पर स्टीम होने देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स 10 मिनट हो चुका है और अब हम टूथपिक से चेक कर लेते हैं, बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा जो नाश्ता हमने बनाया है बिल्कुल ठंडा हो चुका है। आप इसे अपने मन चाहे पीसेस में कट कर सकते हैं, तो हम इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो देखिए इसे हम ऐसे पूरा नीचे से इस तरह से निकाल देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमने सारे अपने पीसेस को इस तरह से ये देखिए कट करके रख लिए हैं। तो आप जैसे आकार में चाहें वैसे कट कर सकते हैं। हमने छोटे छोटे पतले पतले लंबे लंबे कट किए हैं इस तरह से। तो अब हमने क्या किया है, सेम उसी कढ़ाई में थोड़ा सा हमने ऑयल डाला है और इसे हम गरम होने देते हैं। तेल गरम हो गया, इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच ये जीरा। तो जीरा चटक गया है और एक ये प्याज हमने पतला पतला लंबा कट करके रखा है, इसे हम डाल देंगे। प्याज को ना हम गोल्डन होने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स प्याज गोल्डन हो चुका है और प्याज के लिए हम थोड़ा सा इसमें 2 चुटकी नमक डालेंगे, क्योंकि नमक हम पहले यूज कर चुके हैं। ये सेजवान चटनी, तो लगभग 2 चम्मच के करीब आप डाल दीजिए सेजवान चटनी। बस अब ये जो नाश्ता हमने बना के रखा है इसे हम डाल देंगे इसी में और थोड़ा सा हम इसे फ्राई कर देंगे। तो इस तरह से हल्के हल्के हाथों से हम इसे फ्राई कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अब ये फ्राई हो चुका है और इसे अब हम बंद कर देंगे और थोड़ी देर बाद इसे हम सर्व करते हैं। फ्रेंड्स ठंडा हो चुका था और मैंने इसे अच्छे से सर्व कर लिया है। तो आप इसे भुने हुए प्याज और कच्चे प्याज के साथ में सर्व करिए और आप इसे दही के साथ भी खा सकते हैं। कोई भी चटनी हो, सॉस हो या कुछ भी, किसी भी चीज़ के साथ या नॉर्मल ऐसे आप चाय के साथ भी इसे इंजॉय कर सकते हैं। आपका कुछ अलग से हेल्दी खाने का मन हो तो घर में फटाफट से बस बेसन और सब्जियों से मिला करके आप इस तरह से हेल्दी नाश्ता बना सकते हैं। तो अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ आप इंजॉय करिए ये हमारा बेसन और सब्जियों का बहुत ही हेल्दी नाश्ता। और हम आपसे मिलते रहेंगे ऐसी ही मजेदार हेल्दी टेस्टी और इजी रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।